नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ओनली टीचिंग पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 मई को DSSB की हियरिंग हाई कोर्ट में है और इससे पहले वाली हियरिंग में हाई कोर्ट ने DSSB को साफ साफ आदेश दिया था कि आप अगली हियरिंग से पहले पहले एक एफिडेविट जमा करिए, जिसमें कि आपको ये बताना है कि आपने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है उसको लेकर कितना काम कर लिया। तो इसी सिलसिले में DSSB ने एफिडेविट जमा कर दिया हाई कोर्ट में, जिसमें कि उसने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और ये वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत से बच्चे अभी तक ये सोच रहे हैं कि MCT PRT के जो डोजियर्स हैं वो कब जाएंगे, तो DSSB ने खुद इसका जवाब दे दिया है कि वो कब तक सारे डोजियर्स MCT को भेज देगी। इसके अलावा DSSB ने ये भी बता दिया है कि अब तक कितने पोस्ट के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और कितने पोस्ट बचे हुए और उनके कब तक रिजल्ट आएंगे, ये भी बता दिया। लगभग 12 पोस्ट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, चाहे वो 88/17 हो, 89/17 हो या PGT TGT के कुछ पोस्ट हो। तो लगभग 12 ऐसे पोस्ट हैं जिनके रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन कब तक वो रिजल्ट आएगा इसका भी जवाब DSSB ने हाई कोर्ट में दे दिया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, एफिडेविट की हर एक बात आपको अच्छे से समझाऊंगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वो एफिडेविट है जो कि DSSB ने सबमिट किया हाई कोर्ट में, और आइए हम देखते हैं कि इस एफिडेविट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि DSSB ने आज हाई कोर्ट को बताए। तो इसमें जो पहला और दूसरा पॉइंट है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा ध्यान देना चाहिए थर्ड पॉइंट पर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात DSSB ने हाई कोर्ट को बताई है। DSSB ने ये कहा कि 49 पोस्ट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स इन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल उन वैकेंसीज की इन्होंने दे रखी है, पोस्ट का नाम दे रखा है, डिपार्टमेंट का नाम, पोस्ट कोड, कितनी वैकेंसीज नोटिफाइड हुई, कितनी फिल हुई, कितनी पेंडिंग है और कितनी अनफिल्ड है, ये सारा का सारा डिटेल इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, पूरे के पूरे 49 वैकेंसीज का, 49 पोस्ट का। तो आपका जो भी इसमें से पोस्ट है आप देख सकते हैं, उसकी डिटेल आपको दिख जाएगी। मैं 1 by 1 करके इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो आपको पूरे के पूरे 49 पोस्ट का आपको रिजल्ट जो भी स्टेटस है वो दिख जाएगा, कितनी वैकेंसीज फिल हुई हैं, कितनी नोटिफाई हुई थी, कितनी खाली और कितनी पेंडिंग रह गई थी। तो फाइनली आप यहाँ पर ये देखिए कि टोटल 10,057 वैकेंसीज नोटिफाई हुई थी, जिसमें कि 6,029 वैकेंसीज ही फिल हो पाई और 652 वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि पेंडिंग में है और 3,376 वैकेंसीज जो हैं वो अनफिल्ड है, ये फिल नहीं हो पाई। अब ये फिल क्यों नहीं हो पाई, इसका रीजन DSSB ने नहीं बताया। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे DSSB ने स्पेशली एक टेबल अलग से बना के यहाँ पे दे रखा है, और DSSB ने लगभग यहाँ पे 10 ऐसे पोस्ट्स हैं जिनकी डिटेल यहाँ पर इन्होंने दी है, और इन्होंने ये कहा है कि ये वो वैकेंसीज हैं, ये वो पोस्ट हैं जिन पे कि इन्होंने एग्जाम लिया लेकिन वैकेंसीज खाली रह गई इस वजह से, बिकॉज कैंडिडेट जो थे उन्होंने पासिंग मार्क्स भी स्कोर नहीं किया। तो आप 1 by 1 करके देख सकते हैं डिटेल, पोस्ट का नाम दे रखा है, पोस्ट कोड, डिपार्टमेंट, कितनी वैकेंसी इन्होंने वैकेंसी नोटिफाई की, कितनी फिल हुई, कितनी पेंडिंग है और कितनी अनफिल्ड है, यहाँ पर आप सबकी डिटेल देख सकते हैं। तो इस प्रकार 1,879 वैकेंसीज हैं जो कि इस वजह से फिल नहीं हो पाई, बिकॉज कैंडिडेट्स पासिंग मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाए। तो ये आप देख सकते हैं उसकी पूरी डिटेल। अब आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। DSSB ने ये कह रखा है कि ऊपर जितनी भी इन्होंने डिटेल्स दी हैं वैकेंसीज की, उसके लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्लोज हो चुका है और जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं वो रिटर्न कर दी गई हैं यूजर डिपार्टमेंट को। अब यूजर डिपार्टमेंट उस पर जो भी एक्शन लेगा उस हिसाब से DSSB आगे सोचेगी। सिक्स्थ पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें ये कह रखा है कि 67 पोस्ट कोड्स एडवर्टाइज हुई थी वेरियस टीचिंग पोस्ट में, जिसमें कि 49 पोस्ट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है, 6 पोस्ट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 30 अप्रैल तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि उन 6 पोस्ट का रिजल्ट या तो आज आ जाएगा या कल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं सेवंथ पॉइंट पे। सेवंथ पॉइंट ये है कि 1600 डोजियर्स जो कि 43 पोस्ट कोड से रिलेटेड हैं, जिसमें कि 3213 वैकेंसीज थी, ये ऑलरेडी भेज दी गई हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को, और 413 डोजियर्स जो कि एक ही पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर पोस्ट कोड 15/17, इनका भी डोजियर्स भेज दिया गया है MCD को,
ठीक है, और इसके अलावा 3,789 डोजियर्स जो कि असिस्टेंट प्राइमरी टीचर हैं पोस्ट कोड 16/17 और 1/18, इनका जो है डोजियर भेज दिया जाएगा 13 अप्रैल 2019 तक, यानी कि कल तक जितने भी डोजियर्स हैं एमसीडी पीआरटी पोस्ट कोड 16/17 और 1/18 उनका सारा डोजियर कल तक एमसीडी को सौंप दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि वेट कर रहे थे कब उनका डॉक्यूमेंट जो उनके डोजियर्स हैं वो एमसीडी को जाएंगे। तो कल तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, डीएसएसबी इससे फ्री हो जाएगी आपकी वैकेंसी से जो कि एमसीडी पीआरटी है। अब सारा काम एमसीडी को करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें ये कह रखा है कि 3,968 डोजियर्स हैं ये पहले ही भेजे जा चुके हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं नाइन्थ पॉइंट पे। नाइन्थ पॉइंट में ये कह रखा है कि डीएसएसबी ने 49 पोस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था जिसमें कि 10,057 वैकेंसीज थी, और जो सिक्स पोस्ट हैं जिसमें कि 1,096 वैकेंसीज हैं इनका रिजल्ट भी 30 अप्रैल तक डिक्लेयर कर देगी वो। अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो कि उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए 12 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कि 4,709 वैकेंसीज हैं, इनका रिजल्ट ये कह रहे हैं कि हम 31 मई 2019 तक डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि लगभग वन मंथ और लग सकता है इस रिजल्ट को डिक्लेयर करने में, इन 12 पोस्ट के रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्ट का नाम है, पोस्ट कोड है और वैकेंसीज कितनी और नोटिफाई हुई थी ये भी है। पहला पोस्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी जो कि 88/17 है, इसमें 320 वैकेंसीज थी। दूसरा है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 89/17 जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में है ये पोस्ट, इसमें 1,394 वैकेंसीज हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर, ड्राइंग टीचर, पीजीटी संस्कृत मेल, पीजीटी इंग्लिश फीमेल, टीजीटी नेचुरल साइंस मेल, टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल और टीजीटी सोशल साइंस मेल, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल। तो ये वो ऐसे पोस्ट हैं, दो पोस्ट और रह गए टीजीटी हिंदी मेल और टीजीटी हिंदी फीमेल। तो टोटल देख सकते हैं आप 4,709 वैकेंसीज हैं। तो इन 12 पोस्ट का रिजल्ट्स डीएसएसबी 31 मई तक डिक्लेयर कर देगी, ये डीएसएसबी ने अपने एफिडेविट में कहा है। तो आप चेक कर सकते हैं आपका इसमें पोस्ट है या नहीं। तो अगर आपका इसमें है तो आपका रिजल्ट 31 मई तक आएगा, अदरवाइज अगर आपका जो पोस्ट कोड है उन सिक्स पोस्ट में है जिनका रिजल्ट 30 अप्रैल तक डिक्लेयर होना है तो आपका आज नहीं तो कल रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो थे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके साथ साथ डीएसएसबी ने ये प्रे किया है हाईकोर्ट में कि प्लीज हमें वन मंथ का टाइम और दें, 31 मई तक का टाइम हमें और दीजिए ताकि हम 4,709 वैकेंसीज का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दे और जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो पूरा प्रोसेस है 12 पोस्ट का जो बच रहा है ये 31 मई तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए कि डीएसएसबी अपना सारा प्रोसेस जो है निपटा देगी 31 मई तक। तो ये जो थे कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज के जो एफिडेविट को लेकर थे, और मैंने हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब इस एफिडेविट को ध्यान से सुनने के बाद मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।